जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोटॉक में। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे। भगवती का हर भक्त इस पावन नवरात्रि का इंतजार करता है और अपने घर में नवरात्रि की कलश स्थापना लगभग हर व्यक्ति करता है और अखंड ज्योति प्रज्वलित करता है। ये पुण्य कार्य शुभ मुहूर्त में हो जाए तो इस जैसी बात क्या? शास्त्र इस बारे में क्या कहता है कि नवरात्रि की कलश स्थापना हमें किस समय करनी चाहिए? 17 अक्टूबर 2020 को क्या शुभ मुहूर्त बन रहा है नवरात्रि की कलश स्थापना और ज्योति प्रज्वलित करने का? ये जानकारी, बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। और इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी एस्ट्रोटॉक एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेरे से आप अपनी कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं फोन पर या चैट पर हमारी एस्ट्रोटॉक ऐप पर। तो आइए शुरू करते हैं विषय को। 17 अक्टूबर 2020 नवरात्रि की शुरुआत होगी। प्रतिपदा तिथि 16 अक्टूबर को रात्रि 1 बजे आ जाएगी। जो पहली तिथि होगी, प्रतिपदा तिथि होगी प्रथमा, वो 16 अक्टूबर की रात्रि 17 अक्टूबर की सुबह 1 बजकर कुछ मिनट पर आ जाएगी। 1 बजकर 1 मिनट पर शुरू हो जाएगी और 17 अक्टूबर को रात्रि 9 बजकर 9 मिनट तक प्रतिपदा तिथि रहनी है। अब शास्त्र इस विषय में क्या कहता है कि शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, किस समय हमें नवरात्रि की कलश स्थापना करनी चाहिए? सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक शुभ मुहूर्त रहता है नवरात्रि की कलश स्थापना और ज्योति प्रज्वलित करने का। 17 अक्टूबर को जिस समय भी सूर्योदय होगा सुबह, उसके बाद 10 घड़ी तक शुभ मुहूर्त रहेगा। एक घड़ी लगभग 24 मिनट की नहीं, 24 ही मिनट की होती है, लगभग नहीं, 24 ही मिनट की एक घड़ी होती है। तो एक सूत्र और है कि प्रतिपदा तिथि की पहली 16 घड़ियां निषेध होती हैं कलश स्थापित करने के लिए। तो 16 अक्टूबर को रात को 1 बजे जब प्रतिपदा तिथि आ जाएगी, उसके बाद 16 घड़ियों में आपने कलश स्थापित नहीं करना है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि महान ग्रंथों का आश्रय लेते हुए निचोड़ निकाला है कि 17 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर प्रतिपदा तिथि की 16 घड़ियां समाप्त हो जाएंगी और शुभ मुहूर्त भी इसके बाद रहेगा 7 बजकर 25 मिनट सुबह 17 अक्टूबर को। इसके बाद आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर सुबह के समय जल्दी संभव ना हो तो मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त के अंदर भी आप कलश स्थापित अपने घर में कर सकते हैं। मध्याह्न काल और अभिजित मुहूर्त दोपहर में किस समय रहेगा बता देता हूँ। सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर में 12 बजकर 29 मिनट तक, 12 बजकर 29 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस समय अवधि के बीच में भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी है, कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रोटॉक पर प्रतिदिन शास्त्र सम्मत जानकारियां आपको दी जाती हैं और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कुंडली इत्यादि अपनी दिखवानी है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक कीजिए और एंड्रॉयड ऐप एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। भारद्वाज के नाम से आपको मेरा आईडी मिलेगा और चैनल को जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।